हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुकिंग 11। आज हम लाए हैं गाजर का हलवा। लग रहा है ना कि बस एक चम्मच मिल जाए और उठाकर सीधा खा लो। प्रॉपर टेक्सचर, दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला, बहुत ही टेस्टी और सुंदर, जो मुंह का स्वाद बदल दे। तो आज हम बनाएंगे सर्दियों की जान गाजर का हलवा। फ्रेंड्स, हम बनाने स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए। देखिए, हमने 2 किलो गाजर ली थी और इसको छिलकर साफ धुलकर कद्दूकस कर लिया है, देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और आइए चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रखेंगे गैस पर कढ़ाई को। तो चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई अच्छे से हो गई हीट। आइए इसमें हम डाल देते हैं देसी घी। हम इसमें 4 से 6 चम्मच बड़े चम्मच से देसी घी डाल देंगे, क्योंकि जितना बढ़िया अगर देसी घी से हलवा बनता है उतना डालडा वगैरह से नहीं बनता है। तो देखिए, हमने शुद्ध देसी घी का यूज़ किया हुआ है। तो ये अच्छे से देखिए हमारा घी हीट हो गया है। और आइए मैं इसमें डाल देती हूँ गाजर, जो मैंने कद्दूकस करके रखी हुई है। ये देखिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी गाजर को डाल दिया है और इसको अच्छे से हम चलाकर मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मैंने 1 किलो गाजर ली हुई है और हम 1 किलो गाजर का हलवा रेडी करेंगे। तो देखिए, हमारी गाजर अच्छे से हो गई है मिक्स। मैंने उलट पलट दिया है ताकि घी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो आइए अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 लीटर दूध। मैंने इसमें फुल क्रीम दूध का यूज़ किया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1/2 लीटर दूध डाल दिया है और इसको चलाकर मिक्स कर देना है। ये देखिए, अच्छे से इसको चला दीजिए ताकि ये दूध में हमारी गाजर मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमारी गाजर में दूध अच्छे से मिक्स हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूध को भी अच्छे से कर दिया है मिक्स। और आइए इसमें हम 5 से 7 मिनट तक प्लेट लगाकर पका लेते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखिएगा। तेज़ फ्लेम पर करेंगे तो जो मैंने इसमें दूध डाला है उसकी उबाल आएगी और दूध बाहर आ जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पर इसको 5 से 7 मिनट तक पकाते हैं। तो फ्रेंड्स, 7 मिनट हो गए हैं। आइए हम इसको खोलकर एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स लमसम तो हमारी गाजर हो गई है, बट आप कैसे चेक करेंगे मैं इसका भी तरीका आपको बताती हूँ। ये देखिए, आपने ली थोड़ी सी गाजर और इसको हाथ से ऐसे प्रेस करके देखिए। ये देखिए, गाजर हमारी अच्छे से मैश हो गई। इसका मतलब हमारी गाजर बिल्कुल परफेक्ट पककर हो गई है रेडी। और देखिए, हमारा दूध भी लमसम सूख लिया है, थोड़ा सा दूध इसमें बचा हुआ है। तो अब आइए इसमें, इस स्टेज पर मैं डाल दूँगी चीनी। अगर मैं वैसे बताऊँ तो मैंने 1.5 कटोरी चीनी लिया हुआ है, और मैं वेट के हिसाब से बताऊँ तो मैंने इसमें 300 ग्राम चीनी का यूज़ किया हुआ है। 1 किलो गाजर है, 300 ग्राम चीनी है, 1/2 लीटर दूध है। तो देखिए, मैंने चीनी को भी इसमें डाल दिया है और चीनी डालकर मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अभी तक मैंने मीडियम फ्लेम पर पकाया हुआ था, बट अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे हाई, क्योंकि मैंने इसमें चीनी डाला है तो फिर ये पानी को रिलीज़ करेगी चीनी। तो मैं गैस की फ्लेम को हाई कर दे रही हूँ और हाई फ्लेम पर ही मैं इसको पकाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चीनी भी हो गई है अच्छे से इसमें मिक्स। और अब मैं इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से चीनी इसमें मेल्ट हो जाए और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको डाल दिया है और अब हमारी चीनी जैसे जैसे गलेगी वैसे वैसे ही पानी रिलीज़ करेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, हाई फ्लेम पर पकाइए, 2 मिनट के बाद फिर मैं इसको चलाऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने चीनी डाल दिया था और 2 मिनट बाद मैंने इसको दिखाया है आपको चलाकर। ये देखिए, चीनी एकदम अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये देखिए सूखने भी लगी है धीरे धीरे। बट इसको हम बिल्कुल अच्छे से सुखा लेंगे ताकि बिल्कुल भी पानी ना रह जाए, ताकि हमारा हलवा पिचपिचाए नहीं। जैसे कि हल्का पानी छूटने लगता है वैसे ना होने पाए, एकदम सूखा सूखा बढ़िया सा रेडी हो। तो अब इसको हम बराबर चलाते हुए एकदम सूखा भून लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही चलाते हुए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा अच्छे से भुन गया है और बिल्कुल सूखकर हो गया है रेडी। तो अब इसमें हम डाल देंगे खोया। अगर आपके पास खोया नहीं है तो इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मलाई वाला दूध डाला हुआ था। तो इसमें खोया ना भी डालेंगे तो भी चलेगा, बट अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, इससे थोड़ा सा और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो देखिए, मैं खोए को डाल दे रही हूँ, इससे देखने में भी अच्छा लगने लगता है और खाने में भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डाल दिया है खोया और इसको मैं हल्के से चला दे रही हूँ।
ये देखिए चला देंगे तो खोया अच्छे से हमारे हलवे में मिक्स हो जाएगा। ये देखिए हमारा सारा खोया हो गया है मिक्स। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में आप जो पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। मैं तो इसमें काजू बादाम का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ काजू और बादाम, मैंने डाल दिए हैं। और आइए अब हम कर देते हैं गैस की फ्लेम को बंद। तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इन ड्राई फ्रूट्स को हलवे में मिक्स कर दिया है। ये देखिए तो हमारा हलवा बिल्कुल बनकर हो गया है रेडी। आइए इसको हम कर लेते हैं बोल में सर्व। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने हलवे को बोल में कर लिया है सर्व। और आइए इसको देते हैं हल्का सा मार्केट वाला लुक। तो मार्केट वाला लुक देने के लिए देखिए मैंने थोड़ा सा खोया रख लिया था, मैं इसको ऊपर से कर दे रही हूँ गार्निश। ये देखिए मैंने हलवे में खोए को गार्निश कर दिया है। और अब मैं थोड़े से डाल दे रही हूँ ड्राई फ्रूट ऊपर से, ये देखिए, ताकि ये बिल्कुल एकदम मार्केट स्टाइल में हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा हो गया है बिल्कुल रेडी। अब आप इसको टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा बना। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।